एक कपल एक वीकेंड के लिए जगह बुक करते हैं, पर वहां पर एक बहुत ही अजीब सा स्ट्रेंजर था और स्ट्रेंजर वाइफ से ऑब्सेस्ड हो गया। इसके साथ ही मूवी के एंड में बड़ा ट्विस्ट आता है, जिसके लिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको वेलकम हूँ ये 2018 की मिस्ट्री थ्रिलर हॉलीवुड मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ये बहुत ट्विस्ट एंड टर्न से आती है, तो लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज इसे लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिए। तो बिना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होते हम कपल को देखते हैं, जिसमें लड़की का नाम है ब्रायन और लड़की का नाम है कैसी। एक्चुअल में कैसी ये ब्रायन की फियांसे है। उन्हें लग रहा था कि अपनी रिलेशनशिप उन्हें सुधारनी चाहिए, इसलिए वीकेंड पर वो इटली में आए। वहां पर कुछ दिनों के लिए बड़ा सा घर उन्होंने बुक कर लिया था। ये दोनों आज इसके लिए बहुत ही एक्साइटेड है। इनका कैब ड्राइवर इन्हें अलग सी जगह पर लेकर आता है। ये सरप्राइज थे क्योंकि उनका घर नहीं था। जब ये उनके बुक किए हुए घर पर पहुंचे तो बहुत बड़ा होता है। इन दोनों को ये बहुत पसंद आया। घर में अंदर आते ही वाइन पड़ी हुई थी। इस घर के ओनर ने उन्हें वेलकम किया था। ओनर ने एक नोट में लिखा है कि मैं पास के शहर में हूँ, अगर आपको मेरी जरूरत पड़े तो आप मुझे कॉल कर सकते हो। ये दोनों बहुत एक्साइटेड थे। ब्रायन ने होम ओनर की सब चीजें वगैरह देखी। बाहर बैल्कनी में आग लगाकर थोड़ी सी वाइन वगैरह पूर करके रखता है। ये दोनों आज की इवनिंग एक दूसरे के साथ ही एंजॉय करते हैं। कैसी कह रही थी कि व्यू कितना ब्यूटीफुल है, सब कुछ कितना सही लग रहा है। तभी ब्रायन का फोन बजता है। कैसी ने कहा हम इस वीकेंड के लिए हमारे फोन बंद कर देते हैं और एंजॉय करेंगे। ब्रायन भी इस बात के लिए मान गया। वो अपना फोन रखने के लिए गया हुआ था, तभी कैसी का फोन बजता है। एक आदमी का उसे कॉल आ रहा था और ये देखकर ब्रायन डिस्टर्ब हो गया। एक्चुअल में कैसी ने उसी आदमी के साथ ब्रायन पर चीट किया था, तो अब अपनी रिलेशनशिप को सुधारने के लिए इस वीकेंड पर वो आए हुए थे। फिर से उस आदमी का कॉल आने पर ब्रायन को सब कुछ चीजें याद आने लग गए और वो कैसी पर गुस्सा हो गया। कैसी ने उसे नीचे बुलाया था, ये दोनों फिर इंटीमेट होने वाले थे। ब्रायन उसके पास गया, वो उसके साथ इंटीमेट हो नहीं पाता। कैसी भी इस बात से बहुत अपसेट हो गई। वो रात में सोई हुई थी तभी ब्रायन उसके पास आया। उसे मनाने की कोशिश करता है पर कैसी बहुत गुस्सा थी, वो उससे कुछ भी बात नहीं करती। ब्रायन फिर घर में होम ओनर की अलग अलग चीजें देख रहा था। इसमें एक अजीब सी किताब थी, यही पढ़ते पढ़ते ब्रायन सो जाता है। सुबह होने पर कैसी ब्रायन के लिए ब्रेकफास्ट बनाती है, उसे फाइट नहीं करना चाहती। इसके बाद वो रनिंग के लिए गई। रनिंग करते करते उसे प्रीवियस बातें याद आने लग गई। उसने ब्रायन पर चीट किया था, उन्हें बड़ी फाइट हुई थी। ये सारी चीजें याद करते करते वो डिस्टर्ब होकर नीचे गिर जाती है। इस वजह से उसके पैर पर चोट आ गई, अब वो चल नहीं सकती थी। रास्ते के साइड पर वो आती है और उसने लिफ्ट मांगी। वो थोड़ा सा भी आगे गाड़ी तक जा नहीं सकती थी, तो गाड़ी से एक आदमी आया। ये दोनों एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करते हैं और इस आदमी का नाम था फेडरिको। फेडरिको कैसी की चोट देखता है, कहता है कि इसे मैं ठीक कर दूंगा। उसने उसे उसके घर तक लिफ्ट दी। प्रीवियसली गलती से कैसी और ब्रायन जिस घर पर पहुंचे थे एक्चुअल में फेडरिको का घर था। फेडरिको ने अपनी पूरी लाइफ इसी टाउन में गुजारी है, उसे यहाँ का पीस एंड क्वाइट अच्छा लगता है। कैसी ने कहा क्या तुम कभी न्यूयॉर्क आए हो। फेडरिको कहता है कि मुझे वो अच्छा नहीं लगता, बहुत ज्यादा लोग होते हैं। कैसी का घर आने पर कैसी ने फेडरिको को घर में इनवाइट किया, कहा कि तुमने मुझे बहुत हेल्प की है, मैं तुम्हें कॉफी तो पिला ही सकती हूँ। फेडरिको इसके लिए मना कर देता है। कैसी घर में आई और ब्रायन को ढूंढ रही थी, तभी अचानक से वो बहुत डर जाती है क्योंकि फेडरिको उसके सामने था। उसने अपना माइंड चेंज कर लिया था। ये दोनों फिर कॉफी वगैरह पीते हैं, पर थोड़ी देर में ब्रायन वहां आया। ब्रायन फेडरिको को यहाँ देखकर सरप्राइज था। जो भी हुआ इसके बारे में कैसी ने उसे सब कुछ बताया। ब्रायन कैसी से कहता है कि आज हमें शॉपिंग वगैरह करने के लिए टाउन में जाना चाहिए। फेडरिको ऑफर करता है कि मैं तुम्हें लिफ्ट दे सकता हूँ, वैसे भी वो टाउन में जा रहा था। ब्रायन कहता है कि हम टैक्सी ले लेंगे। फेडरिको ने कहा यहाँ कोई भी टैक्सी नहीं मिलने वाली, वो फिर उसे हाँ कहते हैं। फेडरिको के जाने के बाद ब्रायन कैसी से बात करता है, उसे बहुत अजीब लगा था। कैसी कहती है कि वो अच्छा आदमी है, उस पर कोई भी शक मत करो, उसने मुझे हेल्प की थी। कैसी कहती है कि अब मैं शॉवर लेने के लिए जा रही हूँ, अगर तुम चाहो तो मुझे ज्वाइन कर सकते हो। ब्रायन भी उसके पास आया, उसके साथ वो इंटीमेट हो रहा था, तभी उसे याद आया कि कैसी ने उस पर चीट किया है। सारी इमेजेस उसके माइंड में आ रही थी, तो इस वजह से वो कैसी के साथ अब भी इंटीमेट नहीं हो सकता। अब हम देखते हैं कि इनके घर में जो भी चल रहा है ये सारी चीजें हिडन कैमरेज की वजह से रिकॉर्ड हो रही है। ये रिकॉर्डिंग फेडरिको ही देख रहा था, इसके पीछे के रीजन से आपको आगे पता चलेंगे। इसके बाद ये तीनों मिलकर सिटी में जा रहे थे। फेडरिको पूछता है तुम दोनों मिले कैसे थे। ब्रायन ने कहा कि हम कॉफी शॉप में मिले थे। कैसी कहती कि उससे झूठ मत कहो, ये एक्चुअल में एक डेटिंग ऐप पर मिले थे। कैसी ने फेडरिको से कहा कि ब्रायन को रोमांटिक चीजें अच्छी लगती है और हम डेटिंग ऐप पर मिले थे, ये बात तो किसी को नहीं बताता। फेडरिको कहता है कि मैं समझ सकता हूँ, बहुत सारे लोगों को ग्रैंड जेस्चर बहुत अच्छे लगते हैं। कैसी ने कहा कि एग्जैक्टली। इनकी थर्ड डेट पर ब्रायन ने कैसी के लिए बहुत अच्छा सा कुक किया था। इस डेट के बाद ही उसने डिसाइड किया कि ब्रायन से वो शादी करेगी। इसके बाद ये सिटी में पहुंच गए। ब्रायन फेडरिको को थैंक यू भी नहीं कहता और वैसे वहां से चला जाता है। इस बात पर कैसी उस पर गुस्सा हो गए। ब्रायन ने कहा कि वो क्लियरली तुम्हें लाइक करता है। कैसी कहती है कि लोग दोस्त भी हो सकते हैं। ब्रायन को फिर से कैसी ने चीट किया है ये बात याद आ गई और इस पर वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। उसे कहता है कि तुमने जो भी किया इसकी इमेजेस में मेरे दिमाग से निकाल नहीं पा रहा।
उसने अब तक उसे माफ नहीं किया है। कैसी को बहुत बुरा लगा। कैसी ने कहा, हम इस रिलेशनशिप को सुधारने के लिए यहाँ आए हुए थे, पर ये रिलेशनशिप अब सुधर नहीं वाली। वो गुस्से में यहाँ से चली जाती है। वो रो रही थी और सिटी में जाने के लिए कुछ पैसे निकाल रही थी। यहाँ उसे ATM मशीन की लैंग्वेज भी समझ नहीं आती है। तभी उसके पास फेडरिको आ गया। कैसी कहती है, जब भी मुझे जरूरत होती है तुम हमेशा मुझे बचाने के लिए आ जाते हो। कैसी ने पैसे निकाली है और वो घर चली जाती है। ब्रायन अपसेट होकर एक बार में आया हुआ था, तभी उसके पास फेडरिको आ गया। ब्रायन ने जो ड्रिंक ऑर्डर किया था उसकी जगह पर उसे कुछ और ही आ जाता है। फेडरिको ने प्रॉपर ड्रिंक उसे दिया। ब्रायन जिस तरीके से बिहेव कर रहा था इसलिए उसने फेडरिको को सॉरी कहा। अब ड्रिंक करते करते अपनी दिल की सब बातें उसे बताता है। कैसी ने जो भी किया था ये सब कुछ उसे बता देता है। ब्रायन को एक्चुअल में रॉकस्टार बनना था पर ये हो नहीं पाया। वो अपनी जॉब से अपनी लाइफ से उतना खुश नहीं है, पर उसके पास कैसी है। वो कैसी से बहुत प्यार करता है, पर कैसी ने जो भी किया इसके बाद उसे कमिट नहीं कर पाता। फेडरिको बहुत शांत था, वो अपने बारे में कुछ भी नहीं बताता। ब्रायन ने जब उससे पूछा तो कहता है कि मैं कंप्यूटर्स में काम करता हूँ। यहाँ इसी बार में इन दोनों ने कुछ लड़कियों को नोटिस किया। ब्रायन का माइंड फ्री करने के लिए फेडरिको कहता है चलो हम उनसे बात करते हैं। ये सब बात करने लग गए, ब्रायन और भी ज्यादा ड्रंक हो गया। फेडरिको कहता है कि हम एक गेम खेलते हैं, दो ट्रूथ और एक लाए। उसने ब्रायन से कहा कि आज रात जो भी होगा ये कल तुम्हें याद रहेगा, तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने तुम पर चीट किया है। आज रात मैं तुम्हारे घर पर जाऊंगा क्योंकि मेरे पास तुम्हारे घर की चाबी है। ब्रायन ने सुना पर वो इतना ड्रंक था तो कुछ कर भी नहीं पाता। इन दो लड़कियों के साथ यही इस टाउन के होटल में वो चला गया। रात में सचमुच में फेडरिको कैसी के पास आ गया था। वो सो रही थी, उसके बालों को हाथ लगाता है। कैसी को लगा कि शायद ये ब्रायन ही है। उसे किस करती है और फिर से सो जाती है। अगले दिन ब्रायन उठकर जल्दी से घर वापस आ जाता है। कैसी ने उससे कहा कि मैंने तुम्हारा बहुत वेट किया था। ब्रायन उसे कल रात के बारे में कुछ भी नहीं बताता। कहता है कि मुझे लग रहा था कि हम दोनों को ब्रेक की जरूरत है तो इसी वजह से मैंने नाइट सिटी में स्पेंड किए। उसे शावर लेते लेते याद आता है कि फेडरिको ने कहा था कि मेरे पास तुम्हारे घर की चाबी है। अब यही बात वो कैसी से पूछता है कि क्या कल रात फेडरिको घर पर आया हुआ था। कैसी इस बात पर गुस्सा हो गई, कहती है तुम मुझ पर थोड़ा भी ट्रस्ट नहीं करते। फेडरिको ने हमेशा हमें अच्छे से ट्रीट किया है, तुम उस पर इतना गुस्सा क्यों हो। ब्रायन को फेडरिको बहुत ही अजीब लगा था तो डायरेक्टली उसके घर पर वो पहुंच जाता है। जब उसने अंदर देखा तो खंडर जैसी सब जगह थी, फेडरिको वहां रहता ही नहीं। इसी के पैरेलल के सीन में कैसी के पास फेडरिको आता है। उसने रैबिट का शिकार किया था। वो कैसी से कहता है मैं तुम दोनों के लिए आज रात कुक करना चाहता हूँ। कैसी भी इस बात के लिए मान गई। ब्रायन जल्दी से भागते भागते घर पर आया। फेडरिको और कैसी बात कर रहे थे। फेडरिको ब्रायन से कहता है मैं कैसी को कल रात के बारे में बता रहा था। ब्रायन ने फेडरिको को प्राइवेट में बुलाया। ब्रायन उससे कहता है कि अभी के अभी यहाँ से चले जाओ। फेडरिको पूछता है कि हुआ क्या, क्या अब हम दोनों फ्रेंड्स नहीं। ब्रायन कहता है कि मुझे तुम्हारे बारे में पता है, तुम तो उस घर में भी नहीं रहते। फेडरिको ने कहा कि अगर हम दोनों फ्रेंड्स नहीं तो क्या कल रात के बारे में सच सच मैं सब कुछ कैसी को बता दूं। तुम उन लड़कियों के साथ इंटीमेट हुए थे, ये बात पता चलने पर कैसी को बहुत बुरा लगेगा। ब्रायन पूछता है कि तुम आखिर में चाहते क्या हो। फेडरिको ने कहा कि मैं सिर्फ तुम्हारे साथ डिनर करना चाहता हूँ। ब्रायन भी अब उससे कुछ भी बोल नहीं सकता। डिनर के वक्त फेडरिको से कैसी पूछती है तुम अब तक सिंगल क्यों हो, तुम्हें तो कुकिंग भी आती है। फेडरिको ने कहा मुझे सीरियस लड़की अच्छी लगती है, उसे ज्यादा डेटिंग करना अच्छा नहीं लगता। बातें करते करते फेडरिको कहता है मुझे रैबिट की शिकार करना पसंद है क्योंकि उसके शिकार करने के लिए बहुत सारे एफर्ट्स डालने पड़ते हैं, उसे हमारे जाल में लेकर आना पड़ता है। जब डिनर के बाद फेडरिको यहाँ से जा रहा था तो ब्रायन ने उसे कहा फिर से वापस मत आना वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगा। फेडरिको कहता है कि प्लीज ऐसा मत करो, तुम्हारे लिए डिनर कुक करने के लिए मुझे बहुत बड़ी सजा होगी। उसका मजाक लेकर वहां से चला गया। ब्रायन कैसी से कहता है कि वो बहुत ही डेंजरस है। कैसी को भी डिनर करते वक्त आज फेडरिको से बहुत ही अजीब सी वाइब्स आ रही थी, वो भी उससे डर रही थी। ब्रायन ने फिर इस घर के ओनर को कॉल लगा दिया। उसे कहता है कि एक नेबर है जो हमें बहुत ही तकलीफ दे रहा है। ओनर कहता है कि मैं कुछ ना कुछ तो करता हूँ। इनकी जो भी सब कन्वर्सेशन चल रही थी ये सारी फेडरिको ने सुन ली। कल रात के बारे में ब्रायन कैसी से कुछ भी छुपाना नहीं चाहता था, उसने सब कुछ उसे बता दिया, पर वो कहता है कि उन लड़कियों के साथ उसने कुछ भी नहीं किया, वो बहुत ही ज्यादा ड्रंक था। कैसी अपसेट हो गई, वो पूछती है क्या तुम मुझसे रिवेंज लेना चाहते हो। ब्रायन कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है पर हमारे साथ जो हुआ ये मैं भुला नहीं पा रहा था। कैसी ने कहा कि मैं पूरी लाइफ तुम्हारे साथ ही बिताना चाहती हूँ, वो बहुत सॉरी थी। इन दोनों ने अब एक दूसरे को माफ कर दिया था, ये अब इंटीमेट होने वाले थे। ब्रायन म्यूजिक लगाता है और नीचे वाइन लेने के लिए गया। वाइन निकालते हुए बेसमेंट का डोर अचानक से बंद हो जाता है। ब्रायन उसे ओपन नहीं कर पाता। उसने आसपास सब चीजें देखी तो नोटिस करता है कि वाइन के पीछे एक हिडन डोर है। ये डोर ओपन कर वो सारी चीजें एक्सप्लोर कर रहा था। कैसी ने अपने बेडरूम में देखा कि वहां पर एक ब्लाइंड फोल्ड पड़ी हुई है, उसे लगता है कि ब्रायन ने ही रखा हुआ है तो इसे पहन लेती है। ब्रायन की जगह पर बेडरूम में फेडरिको पहुंच गया। ब्रायन को नीचे बंद करने वाला भी वही था। वो उसके साथ इंटीमेट होने लगता है और कैसी को लग रहा था कि ब्रायन है। थोड़ी देर में ब्रायन उस डोर से वे निकाल कर घर के अंदर पहुंच गया था।
फेडरिको ने उसकी आवाज सुनी और वहां से वो भाग गया। कैसी भी वंडर करती कि अचानक से हुआ क्या। उसने ब्लाइंड फोल्ड वगैरह निकाला, तभी उसके मोबाइल पर नोटिफिकेशन आए। ये एक वीडियो थी जिसमें ब्रायन उन लड़कियों के साथ इंटीमेट हो रहा है, इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग है। इसी के पैरेलल में ब्रायन जिस रूम में था वहां के टीवी पर अभी अभी फेडरिको कैसी के साथ इंटीमेट हो रहा था, इसका फुटेज चलने लग जाता है। ये दोनों अब एक दूसरे पर बहुत ज्यादा गुस्सा थे। ब्रायन को लगता है कि उस रात फेडरिको और कैसी इंटीमेट हो गया। कैसी भी गुस्सा होकर उसके पास आई। ब्रायन पूछता है कि टेप बनाना क्या तुम्हारा आइडिया था, क्या तुम मुझे और भी जेलस फील कराना चाहती थी। उस रात फेडरिको का मेरे पास आना, मुझे ड्रंक करना, कैसे अब तुम्हारा प्लान था। कैसी अब और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है, कहती है तुम उन लड़कियों के साथ इंटीमेट हुए थे। उसने ब्रायन को उसकी वीडियो टेप दिखाई। ब्रायन उसे समझाने की कोशिश कर रहा था पर कैसी गुस्से में मोबाइल फेंक देती है। ये जाकर डायरेक्टली कांच से लगा और कांच के पीछे हिडन कैमरेज है। अब ये देखकर ये दोनों सरप्राइज थे। इन दोनों ने फिगर आउट कर लिया कि फेडरिको उन्हें मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है। ये पुलिस को कॉल करने की कोशिश करते हैं पर एक रिमोट जगह है जहां पर कोई भी रिसेप्शन इन्हें नहीं मिलता। फोन की बैटरी भी अब खत्म हो चुकी थी। इन्होंने जो भी फिगर आउट किया है ये सारी चीजें फेडरिको ने अपने स्क्रीन पर देखी। वो डायरेक्टली इनके घर पर आ जाता है। फेडरिको ने कहा तुम्हें उन कैमरेज के बारे में पता नहीं चलना चाहिए था। ब्रायन उससे डर गया था, कहता हम इसके बारे में किसी को भी नहीं बताएंगे, हमें जाने दो। फेडरिको कहता जनरली मैं सिर्फ लोगों को देखता हूँ, कभी भी इन्वॉल्व नहीं होता, पर जब मैंने कैसी को देखा तो मुझे बहुत अच्छी लगी थी, मुझे पता नहीं था कि मैं उसके प्यार में पड़ जाऊंगा। फेडरिको के हाथ में चाकू था तो ब्रायन उस पर झपक पड़ता है। ये दोनों एक दूसरे को मारने की कोशिश कर रहे थे तभी कैसी ने किल ली और डायरेक्टली फेडरिको को पेट में वो डाल देती है। उसकी यहाँ पर इंस्टेंटली डेथ हो गई। इन दोनों को समझ में नहीं आता कि अब क्या करना चाहिए। ब्रायन कहता है कि हम पुलिस को कॉल नहीं कर सकते, हम एक अलग कंट्री में हैं, अगर हम इन सब चीज़ों में फंस गए तो बहुत ही ट्रबल होगा, सब लोग इन्हें दोषी मानेंगे। ये इस बॉडी का क्या करें सोच रहे थे तभी होम ओनर वहाँ पहुँच गया। वो कहता है कि मैं चेक करने के लिए आया, क्या सब कुछ ठीक है या नहीं। ब्रायन और कैसी ने डेड बॉडी छुपा दी थी। ब्रायन कहता है कि वो आदमी फिर से वापस नहीं आया, अब वो हमें तंग नहीं करेगा। होमओनर कहता है कि फेडरिको पहले पास में रहा करता था पर उसे कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम आए, वो अभी भी उसी घर में रहता है, ये होमओनर को पता नहीं था, सब कुछ ठीक है तो वो वहां से चला गया। डायरेक्टली वो फेडरिको के घर पर आता है, उसने सारे कैमरे चेक किए, इसका मतलब है फेडरिको और होमओनर ये दोनों मिलकर ये सब कर रहे थे। होमओनर ने कैमरेज में देखा किस तरीके से कैसी ने फेडरिको को मार दिया है, वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। होमओनर फिर से वापस आया, वो कैसी से कहता है तुम लोगों ने जो भी किया इसके बारे में मुझे पता है, इस सब को तुम एडमिट कर लो। ब्रायन पीछे से होम ओनर को भी मारने के लिए आ रहा था तभी उसने गन निकाल ली। ब्रायन कहता है कि वो हमें मारने वाला था, हम सिर्फ सेल्फ प्रोटेक्शन कर रहे थे। होम ओनर ने कहा तुम्हें उसे मारना नहीं चाहिए था, अब मेरे पास कोई भी चॉइस नहीं है। वो ब्रायन को मारने वाला था तभी कैसी ने उस पर चाकू चला दिया। होम ओनर की भी डेथ हो गई। इसके बाद इन्होंने डेड बॉडीज को जला दिया। ब्रायन ने जाकर फेडरिको के घर में सब कुछ चीजें देखी किस तरीके से वो रिकॉर्ड किया करता था। उसने सारे रिकॉर्डिंग्स को मिटा दिया। जो भी हुआ इसके लिए कैसी बहुत वरीड थी पर ब्रायन उसे कहता है ये हमारा सीक्रेट रहेगा, इसके बारे में किसी को भी पता नहीं चलेगा। ये दोनों फिर बहुत टाइम बाद फर्स्ट टाइम इंटीमेट हो जाते हैं। जो भी चीजों से इन दोनों को गुजरना पड़ा इससे इनकी रिलेशनशिप स्ट्रांग हो गई है। सारी चीजों को कवर अप कर ये दोनों यहाँ से निकल जाते हैं। अब इसके बाद मूवी का ट्विस्ट आता है कि घर के बाहर भी कैमरेज लगे हुए थे। इन कैमरेज में जो भी रिकॉर्ड होता है ये सारी चीजें एक प्राइवेट वेबसाइट पर लाइव ब्रॉडकास्ट होती है। आज जो भी हुआ जिस तरीके से ब्रायन और कैसी ने मर्डर्स किए ये सारी चीजें उस वेबसाइट पर दिख रही थी। पूरे वर्ल्ड में जिन भी लोगों को इस वेबसाइट का एक्सेस है ये सारे लोग इसे देखकर तंग रह जाते हैं। अब इन लोगों को पता तो था पर इनमें से कोई भी बोलने नहीं वाला क्योंकि वेबसाइट इलीगल है। ब्रायन और कैसी के रिसोर्ट की तरह इस वेबसाइट पर बहुत सारे अलग अलग होटल्स भी है। जिस तरीके से इनके होटल की रिकॉर्डिंग चल रही थी उसी तरीके से पूरे वर्ल्ड में चलती है, सब कुछ साइट पर ब्रॉडकास्ट होता है पर ये सब इलीगल है। कैसी और ब्रायन ने जो भी किया इसके बारे में वो किसी को बता भी नहीं सकते। ये बात यही खत्म हो जाती है।